एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हैं मैं बिल्कुल टीका वीका लगा करके आई हूँ। तो अभी हम जस्ट एक मंदिर गए थे, हमारे घर के पास में एक मंदिर है, मैं उसकी क्लिपिंग यहाँ पर डाल दूंगी। और इतना ब्यूटीफुल उसको डेकोरेट करते हैं वो लोग, इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट करते हैं कि वो डेकोरेशन देखने के लिए जाना मतलब लगता है कि हर फेस्टिवल में अलग अलग थीम से डेकोरेशन होता है। बहुत प्यारा मंदिर है, मैं उसकी क्लिपिंग यहाँ पर डाल देती हूँ, आप वो एंजॉय करिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कल हम लोगों क्या है रूप चौदस एंड परसों फिर दिवाली सेलिब्रेट होती है। तो कल क्योंकि रूप चौदस है तो हम लोगों के ऐसा ट्रेडिशन होता है कि सुबह सूर्योदय से पहले हम सबको शार ले लेना होता है। सब बोलते हैं कि रूप निखर के आता है आप लोगों का। क्योंकि कल हम सुबह जल्दी शार ले ही लेंगे तो हम सब लोग फिर मंदिर निकल जाएंगे सीहोर। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि टीनू के जो शादी के कार्ड्स है, वेडिंग कार्ड है, हमारे यहाँ सबसे पहले ये ट्रेडिशन है कि हम लोग गणपति जी को इनवाइट करते हैं कि आप आइएगा शादी में। तो गणपति जी को इनविटेशन देने जा रहे हैं, तो बस यही अभी अपडेट हो रहा है। एंड अभी कुछ नहीं, आज हम लोग जल्दी सो जाएंगे। तो मैं अब आप लोगों से डायरेक्ट ये वाला जो व्लॉग है मैं पूरा दिवाली तक एक्सटेंड करूंगी। सो या स्टे ट्यून फॉर दैट। और मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली कल सुबह। हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग। तो उठ चुकी हूँ मैं, शार वगैरह सब कुछ ले लिया है। ओके गाइस, सो आई जस्ट चेंज इन टू दिस सूट और अब हम लोग निकल ही रहे हैं। तो यस लेट्स गो। ये रही टीनू। What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. हेलो दोस्तों, तो अभी आपको मैं ऐसी दिख रही होंगी एकदम स्लीपी हेड वाली। सो एक्चुअली हम लोग आ गए थे और क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे एंड विक्की वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो विक्की को हम लेके नहीं गए थे। विक्की को थोड़ा सा एलर्जी, क्या होता है इसकी एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, वेदर एकदम चेंज हुआ। विक्की ने घर पे रुक करके आराम किया तो अभी ठीक है वो, उसका वही एलर्जी ट्रिगर हो जाता है। तो ये हमारे अभी हम लोग कपड़े घड़ी कर रहे हैं, हम लोग लिटरली यहाँ पर लॉट में, मतलब लॉट में कपड़े धोते, सुखाने का टेंशन ही नहीं होता है, छत है। ओके गाइस, सो आई जस्ट वॉश माई फेस, मॉइस्चराइज माई फेस लिटिल बिट, क्योंकि अब शाम हो गई है और थोड़ा सा फेस्टिव वाला टाइम है तो मैं हल्का सा रेडी होती हूँ। तो अभी रिसेंटली मामा अर्थ ने कुछ टिंटेड लिप बाम्स लॉन्च करे हैं, लेट मी शो यू। मैं जब से ये मेरे पास आए मैं तब से यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई लव टू यूज़ टिंटेड लिप बाम्स। मतलब आप सिर्फ लिप बाम लगा लो एंड अच्छा सा थोड़ा सा काजल से स्मोकी आइज कर लो एंड दैट्स इट, आप ऑलरेडी काफ़ी रेडी लगते हो। तो मैं जो कलर अभी तक यूज़ कर रही हूँ, एक तो मैं ये चेरी कलर ट्राई कर चुकी हूँ। टिंटेड लिप बाम है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। दीज आर द कलर्स ऑफ द टिंटेड लिप बाम्स एंड सम अमेजिंग शेड्स। तो अपनी जो स्किन होती है लिप्स की वो पर्टिकुलरली थिन होती है कंपैरेटिवली एंड इसीलिए ये अपना हाइड्रेशन लूज करती है एंड ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड आई एम श्योर आई थिंक हर लोगों को ये प्रॉब्लम होता होगा कि उनकी जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते होंगे। सो ये जो मामाअर्थ के टिंटेड लिप बाम्स हैं दे आर 100% सेफ। ये जो टिंटेड लिप बाम्स है मामाअर्थ के, ये ना ही सिर्फ आपके मॉइस्चराइज करते हैं लिप्स को बट साथ ही साथ एक नेचुरल टिंटेड लुक देते हैं। देखिए कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। मामाअर्थ के ये जो 100% नेचुरल एंड मेड सेफ सर्टिफाइड लिप बाम्स हैं, टिंटेड लिप बाम्स हैं, एकदम परफेक्ट है एवरीडे यूज के लिए। आप इनको सुबह शाम एवरीडे यूज कर सकते हैं। नेचुरल ऑयल इन्फ्यूज टिंटेड लिप बाम्स हैं, आर नरिशिंग एंड मेक द लिप्स लुक इंस्टेंटली लिट फ्रॉम विद इन। ये आपके लिप्स को
12 आवर्स तक की लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन देंगे। ये 5 नेचुरल शेड्स में अवेलेबल है। तो ये जो लिप बाम्स हैं आर सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन है। इनके जो हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है विटामिन ई, कोकोनट ऑयल एंड शिया बटर। सो दे आर अवेलेबल इन 5 शेड्स। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड जो है वो चूज कर सकते हैं। बहुत ईजीली ग्लाइड होते हैं ये एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इनका टेक्स्चर है एंड लुक एट द कलर्स। अब मैं आपको अपना जो लुक है वो यूजुअली मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ। ये मामा अर्थ का जो काजल है आई लाइक टू अप्लाई इट लाइक दिस। दैट्स इट। सो दिस इज माई कम्प्लीट लुक। सो हाईली रिकमेंडेड एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो दिया रहेगा, तो आप चेक जरूर करिएगा। एंड अगर आप स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ मामाअर्थ की वेबसाइट पर। और ये जो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स हैं आर अवेलेबल ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड नायका। मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड। आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करते हैं मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लान। इसके पीछे का इनिशिएटिव ये है कि आप मामाअर्थ से अच्छा प्रोडक्ट तो परचेस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मामाअर्थ की जो ऑफिशियल ऐप है वो भी मामाअर्थ ने लॉन्च करी हुई है, तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मेक श्योर आप उसको भी डाउनलोड कर लें। iOS एंड एंड्रॉइड की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स एज वेल। और जो मेरा कूपन कोड है वो ऐप में भी वैलिड है एंड साथ ही साथ वेबसाइट पर भी वैलिड है। ओके गाइस, सो स्लीपिंग नाउ। कल है दीपावली तो थोड़ा जल्दी भी उठना पड़ेगा। तो यस, अब मैं सोती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह। ये हम लोगों की मॉस्किटो नेट लग गई है, बिना मॉस्किटो नेट के कभी नहीं सोना चाहिए। सो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह। हाय एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला हो गया है ऑलमोस्ट। तो आज मैं सबसे पहले करने वाली हूँ, अभी तो हम लोग शावर लेने जा रहे हैं, सुबह जल्दी नहा लेते हैं, मुझे हेयर वॉश भी करना है। उसके बाद शावर वगैरह लेने के बाद मैं जाती हूँ मंदिर। हर साल हम लोग लक्ष्मी माता के महालक्ष्मी मंदिर जाते हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ रिचुअल जो हम लोग फॉलो करते हैं आफ्टर मैरिज। मेरे पेरेंट्स आते हैं वहाँ पर और भविकी और हम दोनों जाते हैं, तो वो पूजा वगैरह करते हैं वहाँ। उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन होने वाला है। यहाँ पर जो दिया होल्डर्स होते हैं वो रख दिए हैं मैंने, वहाँ पर देखिए लाइक दिस एंड दिस। तो अभी दिवाली के लिए मैं जब मंदिर जाऊँगी तब मैं ये वाला सूट पहनूंगी, ये जो हमारा फैशन हब ने सेंड किया था मुझे, एंड ये वाला ड्रेस मैं पहनूंगी दिन भर के लिए। और उसके बाद जो रात में मैं साड़ी पहनने वाली हूँ वो मैं ये पहनने का सोच रही हूँ, दिस ब्लू वन, बहुत छोटी सी साड़ी और ये इसका ब्लाउज़ है, तो मैं ये पहनने वाली हूँ। और अभी फटाक से जाती हूँ शाल लेने के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। So I got ready and अब चलते हैं ऊपर। निकल चुके हैं मंदिर के लिए, तो मम्मी पापा भी वहां पर पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। चलिए चलते हैं मंदिर। मम्मी मम्मी क्या बात है, इयररिंग वियरिंग तो मस्त लग रहे हैं, मस्त लग रहा है सूट ये। हैप्पी दिवाली सबको, आपको भी सबके तरफ से। चल मंदिर से आ गए हैं, हम लोगों की पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। मैंने अभी सोचा था कि मैं दिन भर में ना ये वाला जो रेड ड्रेस है ये पहनती हूँ, बट इसमें हल्की सी
सीलन नहीं होती है, सीलन सीलन जो होती है उसकी स्मेल आ रही है। मे बी यहाँ की जो कबर्ड्स हैं वो एक्चुअली आर नॉट वुडन, वो वॉल्स में ही अंदर लगी हुई हैं गेस, शायद वॉल की वजह से, जबकि ये पॉलिथिन में रखा हुआ था, बट स्टिल इसमें से आ रही है। तो मैं थोड़ी देर उसको सनलाइट में डाल दूंगी, उसके बाद फिर जब थोड़ा ड्राई हो जाएगा तब फिर उसको पहनती हूँ मैं। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर खाना खाने, और अभी मैंने पहन लिया ये वाला ड्रेस। ये अभी टीनू और हम लोग मेरे घर आ गए हैं रंगोली बनाने के लिए। हर साल हम लोग आते हैं, दिन में ही आ जाते हैं, और फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोग उस वाले घर में रंगोली बनाते हैं। तो फटाफट से रंगोली बनाने बैठते हैं, एंड रंगोली के टाइम पे मैंने शूट नहीं किया है, एंड जब कंप्लीट हो गई तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। चुकी है एकदम क्विक फास्ट सटासट। चल टीनू ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ की रंगोली बनाना। एंड ये अच्छा लग रहा है पीछे का सब कुछ, बहुत देख उसे फ्रेम में कितना सही लग रहा है। ये हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो ये जो पूरी रंगोली बोल रही हूँ, ये जो पूरी लाइटिंग्स आप देख रहे हैं, ये पूरा विक्की ने लगाया है खुद से ही, और हर बार वो खुद ही लगाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बुलाते हैं हम लोग, ये सब घर पे ही हम ही लोग सब चीज़ें करते हैं। और उसके बाद एक और ये जो बाहर की रंगोली है, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था बनाते बनाते, तो ये उन्होंने बनाया था। एंड जो स्टेयर्स के साइड में ऐसी बॉर्डर्स है, ये भी मैंने इस बार थोड़ी सी एड ऑन कर दी थी, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे फेस्टिवल हो गए, क्योंकि अभी ऊपर से नीचे तक में सब हम ही लोग रह रहे हैं ना, तो कोई ख़राब कर देगा उसका टेंशन नहीं रहता है। आई एम डन विथ एवरी थिंग, रंगोली वगैरह सब कुछ हो गया है, अब बस फटाफट से फ्रेशन अप होते हैं एंड दिवाली के लिए होती हूँ मैं रेडी। और मैंने ना अभी रंगोली बना ली, तो अपने हाथ की सारी रिंग्स विंग्स निकाल ली थी, नेल पेंट भी अभी मुझे लगाना है। तो मुझे तैयार हुए आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, और ये देखो इस इंसान को आधे घंटे से ऊपर, मुझे देख के लगता है कि मेरे को 15 मिनट भी लगे होंगे तैयार होने में। इस इंसान को देख करके जरूर बता सकता है तैयार होने बैठ जाए तो ये शायद रात का डिनर मिस कर दे।
डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग हमारे घर में चले जाते हैं, मतलब मेरी मम्मी के घर में, वहाँ पर मिलते हैं, कुछ खाते हैं वहाँ पर, एंड फिर वहाँ से हम बाकी जगहों पे दिवाली मिलने के लिए जाते हैं। गरारा सेट है ना, और ये हमारे पापा का कुर्ता और ये टीनू और ये विक्की। हे गाइस, तो फाइनली दिवाली ख़त्म हो गई है, वाइंड अप हो गई है सारी चीज़ें, और अभी मैं सब जगह से मिल करके आई हूँ, बट लिटरली लेजिट 5-5 मिनट्स के लिए हम लोग सब बैठे थे, घर पे मिली हूँ। उसके बाद फिर हम एक और आंटी के यहाँ जाते हैं, वहाँ गए, फिर उसके बाद हम लोग मेरे चाचा चाची के यहाँ चले गए थे, फिर हम यहाँ सोसाइटी में एक दो लोगों के यहाँ, मतलब लिटरली हम सबके यहाँ 5-5 मिनट्स के लिए बैठे हैं। फिर विक्की के कज़िन हैं, हम उनके घर गए, वो दीदी के घर, तो ऐसे सबके यहाँ गए हैं एंड 5-5 मिनट्स में सबके यहाँ से आ गए, बिकॉज निकले हम 9:15 बजे थे। तो यस, एंड अब मैं आपको थोड़ा सा अपना डेकोर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे डेकोरेशन किया था। तो बस यही, हम लोगों ने थोड़े बहुत ऐसे फ्लावर्स वगैरह सब लगा लिए थे, एंड यस दैट्स इट फॉर माय वीडियो। ये वाला वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की दिवाली कैसी रही, एंड यस दैट्स शुभ दीपावली। शुभ दीपावली आप सब लोगों को, आई होप कि ये दिवाली आप सबके लिए बहुत अच्छी रहे एंड आगे मंगलमय रहे, प्रॉस्परस रहे और बेस्ट रहे आप सबके जीवन में, आगे भी सबका सब कुछ बेस्ट बेस्ट हो। और ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।